काम करना है, अपनी प्रगति के मार्ग को बढ़ाते जाना है एक एक कदम उठाकर। धन्यवाद राष्ट्रपति जी, मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और डॉक्टर चीफ बाइडन का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जिस प्रकार से आपने गर्मजोशी से मेरा और हमारे डेलीगेशन का स्वागत किया और विशेष रूप से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आज आपने व्हाइट हाउस के द्वार भारतीय समुदाय के लिए खोल दिए और हजारों की तादाद में भारतीय समुदाय अमेरिका भारत की भावी रणनीति के साक्षी बनने के लिए आज हमारे बीच मौजूद थे। एक्सलेंसी प्रेसिडेंट बाइडेन, वंस अगेन एक्सप्रेस माय हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड टू यू एंड टू डॉक्टर जेल बाइडेन फॉर द हॉस्पिटैलिटी एंड द रिस्पेक्ट दैट यू हैव शोन टू मी एंड माय डेलीगेशन एंड मोर इम्पोर्टेंटली बिकॉज यू ओपन द डोर्स ऑफ व्हाइट हाउस टुडे फॉर द इंडियन अमेरिकन पीपल एंड दे वर देयर इन थाउजेंड्स टू विटनेस द फ्यूचर ऑफ आवर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। एक्सलेंट, आप हमेशा भारत के एक बहुत अच्छे शुभचिंतक रहे और जब भी आपको जहां भी अवसर मिला है आपने हमेशा भारत और अमेरिका के संबंधों के महत्व को बहुत बड़ा बल दिया है, बहुत बड़ी ताकत दी है। और मुझे याद है कि 8 साल पहले यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल को संबोधित करते हुए आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी और आपने कहा था अवर गोल इज टू बिकम इंडिया बेस्ट बैंक। ये आपके शब्द आज भी गूंज रहे हैं। भारत के प्रति आपकी यही व्यक्तिगत प्रतिबद्धता हमें अनेक बोल्ड और महत्वाकांक्षी कदम उठाने के लिए प्रेरित कर रही है। आज भारत अमेरिका स्पेस की ऊंचाइयों से समुद्र की गहराइयों तक एंशियंट कल्चर से लेकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। Your Excellency, you've always been India's friend and well-wisher for a very long time. And whenever you have got an opportunity, you've always given force and strength to our bilateral relations. Excellency, 8 years ago, while addressing the US-India Business Council, you had said, our goal is to become India's best friend. And it is this personal commitment of yours towards India that is inspiring us to take many bold and ambitious initiatives. Today, India and the U.S. are walking shoulder to shoulder in every field, from the depths of the oceans to the heights of the skies, from ancient culture to artificial intelligence. Diplomatic drishti se, jab kini do deshon ke beech sambandhon ki baat ki jati hai, to aksar aupcharik joint statement, working groups aur MOU usi ke daire mein aamtaur par baatchit hoti hai। इसका अपना महत्व है ही, लेकिन भारत और अमेरिका के रिश्तों का असली इंजीन हमारे मजबूत पीपल टू पीपल संबंध है और इस इंजीन की एक जोर भरी दहाड़ हमने अभी बाहर व्हाइट हाउस के लोन पर भी सुनी है। एक्सलेंसी, व्हेनेवर देयर इज टॉक ऑफ रिलेशंस बिटवीन एनी टू कंट्रीज फ्रॉम अ डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, पीपल ऑफन टॉक अबाउट सम कॉमन जॉइंट स्टेटमेंट्स, वर्किंग ग्रुप्स, एमओयूज। All these definitely have their own importance, but the real engine of the India-US relationship is our strong people-to-people ties, and we just heard a spirited roar of that engine out on the White House lawns. Excellency, जैसा आपने कहा, मैं उसे फिर से दोहराना चाहूंगा, आज की तेजी से बदल रही वैश्विक स्थिति में सभी की नजर विश्व के सबसे दो बड़े लोकतांत्रिक देशों पर है, भारत और अमेरिका पर है। मेरा मानना है कि हमारी स्ट्रेटेजिक सजगता मानव जाति के कल्याण के लिए, वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाली सभी ताकतों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण। मुझे विश्वास है कि हम मिलकर पूरे विश्व के सामर्थ्य को बढ़ाने में अवश्य सफल होंगे।
Your Excellency, as you said, and I would like to reiterate that in today's rapidly changing global situation, all eyes are on the two largest democracies of the world, India and America. I believe that our strategic partnership is important for welfare of the humankind, global peace and stability, and for all countries believing in democratic values. And this is important than ever before. I'm confident that working together, we will be successful in enhancing the strengths of the whole world. आज हमारी बातचीत में हम ऐसे ही कई मुद्दों पर बात करेंगे और अपने स्ट्रेटेजिक संबंधों को नए आयाम से जोड़ेंगे। मैं एक बार फिर आपको आपकी मित्रता के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। We will talk about many such issues today. We will add new dimensions to our strategic partnership. I once again express my heartfelt gratitude to you for your friendship. Thank you, Mr. President. Thank you.